आज उसने भगवंत मान का भी पत्ता काटने का रास्ता निकाल कर और भगवंत मान को भी साफ कर दिया। और मैं भगवंत मान जी को कहना चाहता हूँ, मैं आपको बार बार कहता रहा, ये वो आदमी है जो सांप के डसने से बचा जा सकता पर अरविंद केजरीवाल का डसा आदमी बचता नहीं है। अब बारी तुम्हारी है, एक ऐसा आदमी निकाल के देगा जिसको कोई ना जानता होगा, ताकि वो एमएलए का भी चुनाव हारे। अरविंद केजरीवाल जो कि बहुत शातिर दिमाग है, आज उसने भगवंत मान का भी पत्ता काटने का रास्ता निकाल कर और भगवंत मान को भी साफ कर दिया, ये कह के मैं तो भगवंत मान को बनाना चाहता हूँ पर मैं पंजाब के लोगों की राय लूँगा फ़ोन पे। अब वो फ़ोन की राय किसने सुनी, किसने देखी, किसने करी, ना कोई और चेहरा ना कोई बात, बस एक ही पर्पस है, भगवंत मान का पत्ता काटने का रास्ता है। और हम तो बार बार कहते थे अरविंद केजरीवाल पंजाब को बेवकूफ़ बनाकर खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में बनना चाहता है। जो लोग पंजाब की भावनाओं को नहीं समझते, पंजाब के लोगों के नहीं जानते, पंजाब के इतिहास को नहीं जानते, जो लोग ये कहें कि वैलेंटाइन डे वाले दिन अरविंद केजरीवाल को पंजाब आई लव यू बोलेगा, क्या शर्मसार लोग हैं ऐसे लोग, वाहियात लोग जिनको ये नहीं पता कि ये माघ के महीने की अहमियत क्या है, और वो लाइव आई लव यू बोलेंगे, कमाल होगी, इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं भगवंत मान जी को कहना चाहता हूँ, मैं आपको बार बार कहता रहा, ये वो आदमी है जो सांप के डसने से बचा जा सकता पर अरविंद केजरीवाल का डसा आदमी बचता नहीं है। अब बारी तुम्हारी है। अब ये कहेगा जी हमने तो लोगों से राय ली थी, लोगों ने तो फलाने का नाम ले दिया, और एक ऐसा आदमी निकाल के देगा जिसको कोई ना जानता होगा, ताकि वो एमएलए का भी चुनाव हारे। और फिर कहे जी देखो जी मेरे को तो लोग कहते हैं, तो ये पंजाब के साथ छल कपट करने वाला अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने आया आज। देश दुनिया दी हर खबर नाल अपडेट रहने लई साडे जगबानी टीवी दे इंस्टाग्राम अकाउंट नु फॉलो करो और दोस्तां ते मित्रां नाल ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।